नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपका DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत आज एक्सरसाइज 3A हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले इसके सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए थे, इसके एग्जांपल्स भी आपको बता दिए थे, आज इसके क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल में हमें समझाया गया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इससे पहले कि आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देख लेना, ताकि आपके वो भी जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं वो भी आपको समझ में आ सके। तो चलिए आज क्वेश्चनों के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं और क्वेश्चनों को हल करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें बना हुआ है कि घातांक की अवधारणा बताइए। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि घातांक होता क्या है, किस प्रकार से इसकी जो अवधारणा है, किस प्रकार से ये एक फॉर्मूले का रूप लेती है और क्या इसकी अवधारणा, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ था। तो इसका जब भी चैप्टर ये शुरू हुआ था तभी मैंने ये इसको बताया हुआ था, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में वहां पर हमने बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्णांक को घातांक के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करके हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। माना के पूर्णांक हमने एक जेड मान लिया, हमने एक संख्या पूर्णांक जेड मान ली, तो हमें इस प्रकार इसे घातांक के रूप में कुछ इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, एक्स पावर जेड, यानी जो जेड है इसे हमने पूर्णांक माना है और इसे हमें घातांक के रूप में यानी घात के रूप में इसे हमें लिखना था, तो हमने इसे लिख दिया। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है लिखा है परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई परिमेय संख्या है तो उसे घातांक के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में लिखा है हमने, माना के हमने एक परिमेय संख्या है वो है पी बट्टे क्यू, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर एक संख्या हमने बाई मान ली है, तो इसे हमें घातांक के रूप में ले जाना था, तो यानी बाई एक संख्या मानी हुई है तो इसी के ऊपर घात के रूप में हम लिखेंगे, तो हम इसे किस तरीके लिखेंगे, पी बट्टे क्यू, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ऐसी हम आशा करते हैं। निम्नांकित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी घात के रूप में अब आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो रूट 3/4 और इस पर जो बाहर पावर है वो आपकी 4 है, तो ये जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे इसी तरीके से सॉल्यूशन लिखेंगे बुक में, तो आप लिखेंगे यानी 3/4 चार है, इस पर जो पावर होगा वो कितने में चला जाएगा, 1/4 में चला जाएगा, क्योंकि बाहर 4 पावर है तो ये बट्टे में चली जाती है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो 61/1123 पावर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर 4 है तो ये जब हम घातांक के रूप में लिखते हैं तो उसे 1/1 करके लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सामने आपको बताए हुए थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मूलों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो मूल रूप इसका क्या होता है, तो देखिए ये घातांक रूप अभी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमने इसे मूल रूप में लिख दिया है, तो हमें क्या करना होता है कि केवल रूट लगाना है और रूट में जो संख्या दी है वो लिखनी है और भार जो इसका 1/1 में दिया हुआ था उसे हमें सही में लिख देना है, तो हमने इसे सही में लिख दिया है। इसी प्रकार से 5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे आप देख सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन कुछ सेम इसी प्रकार से होगा, तो इसे आप कर सकते हैं, सीधा 17 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में ये संख्या चली जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 मान बताइए, मान कह रहा है, तो देखिए 8 पे पावर चढ़ा हुआ है कितना, 5/3, तो 8 पे पावर 5/3 लगा हुआ है, तो हमने इस तरीके से इसे लिख लिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हम चाहे तो इसे रूट के बाहर 3 दिखा के अंडर रूट में 8/5 दिखा दें, बट हमें क्या करना है, हमें ऐसे नहीं दिखाना, इस तरीके से हमको दिखा देना है कुछ इस प्रकार से, यानी जो 8 लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं 2×2×2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 5/3। अब यही जो 2×2×2 तीन बार आया हुआ है तो 3 पावर बन जाएगा ना, तो 2 पे पावर 3 बन जाएगा, और यहाँ मल्टीपल में 5/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 का हम 5 बार मल्टीपल करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से 2 का हमने 5 बार मल्टीपल करा और मल्टीपल करने के बाद हमारा आंसर आ गया 32, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा।
इसी प्रकार से इसके जो दो भाग और दिए हुए हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, उनका भी हमने यहाँ पे सॉल्यूशन आपको लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 343 पे पावर 2/3 लिखा हुआ है, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 और पावर 2/3 है तो 2/3 रहेगा। अब 2/3 है, 7 पावर 3 हो गया, तो 3 से यहाँ 3 कट गया, एक जो पावर है वो एक कट जाएगा यहाँ से, तो फिर 7 पावर 2 रह जाएगा, और 7 7 का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, कितना आ जाएगा 49 हमारा आंसर आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं लिखा हुआ 49। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप सॉल्यूशन यहाँ पे, तो 243 पे पावर 2/5 लिखा हुआ है, इसका जब हमने 243 को 3 3 3 3 5 बार मल्टीपल करेंगे तो 243 आ जाएगा, इसका हमने फैक्टर कर लिया है। इसके बाद 2 पे पावर कितना 5 लगा, 2 पावर यानी इस पे पावर लगा हुआ है 2/5, तो 2/5 में यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 3, और 3 पे पावर आ गया 5 × 2 में 2/5, तो ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 3 पावर 2 रह जाएगा यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 3 × 3 दो बार मल्टीपल होगा तो ये 9 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सरल कीजिए, तो इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसे जब हम सरल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए, 9 पे पावर लिखा हुआ है 3/4 और यहाँ पर 9 पे पावर -2/-1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, अब जैसे मान लीजिए हर सेम है इनके, इन दोनों के जो बेस हैं वो क्या है, सेम है, 9 9 बेस हैं, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जुड़ जाएंगी आपस में, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो आप देखिए इनकी जो पावर्स हैं उनको हमने जोड़ दिया, यानी 3/4 − 1/2, अगर से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 LCM ले लिया, और 4 LCM लेने के बाद यहाँ पर वो आपका 3 रहेगा और इधर से 2 उधर पहुँच जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 पे पावर 1/4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं, तो इसमें ये सॉल्यूशन निकलवाया है कि इसका सॉल्यूशन आपको बताना है सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो 3 × 16 पे पावर 3/4, अब 16 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 3 तो वैसे ही वैसा है, सेम टू सेम 3 को ले चलेंगे, मल्टीप्लाई में 2 पावर 4 हो जाएगा, इंटू में 3/4 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 से 4 काट दिया हमने, काटने के बाद हमारे पास 3 × 2 में 2 पावर 3 रह गया, अब 3 और 2 पावर 3 यानी 3 बार हमें मल्टीपल करना है 2 2 का, तो 3 बार मल्टीपल करा और इसे 3 का मल्टीपल करा तो कितना आ गया, 24 आ गया आपके पास आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 8 के 1 को कर सकते हैं। इसी प्रकार से 8 का 2 देख लीजिए यहाँ पे, इस 8 के 2 को भी मैंने यहाँ पे किया हुआ, तो आप इसे समझ सकते हैं आसानी से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको लिख के दे दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में इसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको लिख के दे दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक्स पावर 5/7 था और यहाँ भागित में था एक्स पावर 12/7, तो इसमें जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए एक बार तो हमें सेम टू सेम लिख देना जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने सेम टू सेम लिख दिया है। उसके बाद क्या है कि जब हम किसी, जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ है भागित, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मतलब 2 लिखा हुआ है, तो हम इसे किस तरीके से करते हैं, 2 × 2 में 1/2 लिखते हैं, मल्टीपल का साइन लगा के इसे कैसे उल्टा देते हैं, तो हमने भी यहाँ पे इसे उल्टा दिया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे उल्टा दिया है, यानी एक्स पावर 5/7 मल्टीप्लाई 1/(x^12/7), अब इसे उल्टा दिया, तो हम अगर नेक्स्ट स्टेप में से किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देखिए, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, इस चीज़ को आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि इसे हमने नीचे बट्टे में ले लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखिए यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो पावर नीचे था प्लस का उधर जाके ऊपर माइनस का हो गया है, क्योंकि देखिए इन दोनों में आप देखेंगे तो बेस समान है, जब बेस समान है तो पावर घट बढ़ जाती है, तो ये तो आपको पता ही है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब आगे 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 वाला स्टेप ये है आपका, देखिए यहाँ पर आगे वाले स्टेप में देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका हमने 7 LCM ले लिया, 7 तो ऊपर जाके घट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा,
आपका बच गया एक्स पावर -7/7। अब 7 से 7 काट दिया तो एक्स पावर कितना बच जाएगा, -1, और -1 है तो नीचे ले आएंगे इसे हम, तो 1/x हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे और समझ सकते हैं। इसके हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x^3 × x^7। अब तो आप इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसको आप कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसमें जब मान लीजिए इनके दोनों के क्या हैं, देखिए बेस दोनों के समान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन वाले स्टेप में हमें एक बार लिखना होता है, जैसे सेम टू सेम दिया हुआ वैसा ही सेम टू सेम हमें लिख देना होता है। लिख दिया हमने इसको, अगले वाले में क्या देखिए, जब बेस समान है तो जो इसकी जो पावर है वो जुड़ जाएगी आपस में। तो यहाँ पर आप देखिए अगला जो स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमने इस पावर को 3+7 करके इसे जोड़ दिया है, और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में x^10 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आपके इसके 3-4 स्टेप बन जाएंगे, 3 स्टेप बन जाएंगे और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं x^3 और कोष्ठक लग के 3 पावर है, तो आप समझ सकते हैं कि इसे क्या है। देखिए पहले स्टेप में तो हमें सेम टू सेम इसे लिख ही देना है, जब इसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो पहले स्टेप में इसे सेम टू सेम लिख देना। देखिए इस तरीके हमने सेम टू सेम लिख दिया, बराबर लगाएंगे और बराबर के बाद इसे हम निकाल लेंगे बाहर, यानी 3 का 3 में मल्टीपल कर देंगे, और 3 जब 3 में मल्टीपल करेगा तो x^ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसके कितने स्टेप बनेंगे, इसके ओनली 3 स्टेप्स बनेंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x^ कितना है, 18/0। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार तो इसे हम सेम टू सेम लिख देंगे, फिर x^18 का गुणा कर दिया हमने 0 में, क्योंकि 0 पावर में और दिया हुआ है, तो 0 को मल्टीप्लाई कर दिया तो x^0 आ गया। और जब किसी पर भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था किस तरीके से ये आता है। ओके, तो आपको आशा करते हैं ये जरूर याद होगा कि हमने किस तरीके से आपको समझाया हुआ था। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, अगली वीडियो के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक इस वीडियो को रहने दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं सभी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, और तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।